संस्कृतपाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां नमोस्तु सर्वेभ्यः स्वागतं करोमि भवतां समेषामहं नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत की कक्षा में संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में आज संख्या तीन के संस्कृत प्रयोगों को हम अच्छे तरीके से जानेंगे। देखिए, तीन के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं त्रीणी, पर पुल्लिंग में हम तीन को कहते हैं त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में भी त्रीणी यह कहा करते हैं। इन शब्दों को कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से समझ लेने का है अब समय। सबसे पहले संख्या तीन, इसका पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम जान लेते हैं। अहम् गवीशः नीतिशः च आहत्य त्रयः जनाः अत्र स्मः, जिसका अर्थ है मैं, गवीश और नीतिश, कुल मिलाकर तीन लोग यहाँ हैं। अब तीन का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं, सा उषा दीपिका च इति तिस्रः क्रीडिकाः भारते क्रीडा प्रसाराय पर्याप्ताः, जिसका अर्थ है वह उषा और दीपिका, ये तीन क्रीडिकाएं भारत में खेलों के प्रसार के लिए पर्याप्त हैं। संख्या तीन का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख रूपाणी त्रीणि स्थानानि कस्मै न स्युः प्रियाणि, जिसका अर्थ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में तीन स्थान किसे पसंद नहीं होंगे। यहां ध्यान दीजिए, हम त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि स्थानानि जैसे प्रयोग साधारण रूप से जैसे ही करते हैं तो संस्कृत व्याकरण की सूक्ष्मता और संपूर्ण वैज्ञानिकता का ध्यान रखते हुए बालकाः, बालिकाः, स्थानानि आदि प्रयोगों में तीन इस संख्या का कम से कम उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों में तीन संख्या तो स्वतः और पूर्वतः अंतर्हित होती ही है, पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार तीन और उससे ज़्यादा किसी भी संख्या के लिए हम इन्हीं बालकाः, बालिकाः, स्थानानि का प्रयोग किया करते हैं। अतः यहाँ त्रयः, तिस्रः और त्रीणि इन संख्याबोधक शब्दों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, यह हम कह सकते हैं। हम आपको एक और दो संख्याओं के एकत्व द्वित्व के क्रम में बताते रहे हैं कि संख्याओं के एकवचन, द्विवचन और अब बहुवचन के बारे में विस्तार से तब बताएंगे जब हम फलम, फले, फलानी जैसे शब्द रूपों के बारे में आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या तीन की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे, जैसे तीन की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं तीसरा या तीसरी, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में तृतीयः, स्त्रीलिंग में तृतीया और नपुंसक लिंग में तृतीयम्। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य तृतीयः राष्ट्रपतिः डॉक्टर जाकिर हुसैन इत्यसौ आसीत। भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची पढ़नी चाहिए, इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य तृतीया अनुसूची पठनीया। जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान तीसरा है, इसका संस्कृत स्वरूप कुछ यूं होगा, जनसंख्यायाः दृष्ट्या संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य स्थानम् तृतीयम् अस्ति। तो आज आप सभी संख्या तीन के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हो चुके हैं परिचित। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तावत् नमो नमः, पुनर्मिलामः। तो संस्कृत भाषा का आप अभ्यास करते रहिए। संस्कृत भाषा सीखने